Lion fights with cow and regrets it instantly. So ये वाला content भाई, alligator asking forgiveness from dog, crazy content भाई, इससे content खतरनाक नहीं है कोई। चलो जब तुम खाली बैठे होते हो YouTube पे क्या देखते हो? YouTube पे तो जब मैं खा रहा होता हूँ जब मुझे ऐसे मजा आता है कुछ ऐसा एकदम बकचोदी कंटेंट देखने में, मेरा अगर YouTube फीड देखोगे ना बहुत बकचोदी रहता है कि लायन फाइट्स विद काओ एंड रिग्रेट्स इट इंस्टेंटली। ये वाला कंटेंट भाई, एलिगेटर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम डॉग, क्रेजी कंटेंट भाई, इससे कंटेंट खतरनाक नहीं है कोई। एक तो ये देखता हूँ या तो वो वाले जोन में देखता हूँ, व्हाट हैपेंस इफ यू डिग 5 मिली, व्हाट हैपेंस इफ अ बुलेट हिट्स अर्थ एट स्पीड ऑफ लाइट, अरे देखते क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ यू पुट एसिड ऑन लॉक, कुछ ना कुछ ऐसा सबके अंदर एक चुल होती है ना, सब वो एक्सप्लोर नहीं करने आते, एक दो लोग करते रखते हैं एक्सप्लोर हमारे लिए देखने के लिए, तो वो सब देखता हूँ। या फिर कंपाइलेशन देखने मजा आता है मेरे को, इवन इन यू नो द अदर साइड, बट इवन ऑन यूट्यूब, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट देखने मजा आता है भाई। कुछ भी कह लो, सब देखने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, ये बुरा तो हो रहा है पर मजा भी आ रहा है देखने में, ऐसा मतलब है अपने को है, तुम्हें लगता है जितना फेटिश है और जितना एक्सट्रीम हो उतना आदमी को यू नो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट में फुलफिलमेंट मिलता है ना? मुझे तो होता है भाई, मुझे तो होता है भाई, लाइक इफ आई बी ऑनेस्ट रॉ एंड रियल हूं आज मैं इधर, ठीक है भाई, तो मेरे को तो बहुत होता है भाई, किसी भगवान ना करे किसके साथ हो ये, पर अगर हो जाए तो क्या मुझे देखने को मिल जाए प्लीज। आई वांट टू सी जॉर्ज कार्लिन का बिट था पता है तेरे को ये? हां, क्या क्या था, क्या था ये जो सेम बात कही, और तेरा क्या नाम है और क्या क्या वो हो गया, चलो वो हो गया बेसिकली, फिर कंपाइलेशन होगी तुम्हारी, फॉर एग्जांपल तो वो देखता है सिर्फ तुम्हारे ओके वाले वीडियोस देखे तूने कि जिसमें होता है एक इंसान ब्लैकस्मिथ है और एक पुराना कुछ स्टील का वो उठाएगा, ओ रिपेयर करेगा, रिस्टोरेशन वीडियोस भाई, रिक्स तुझ तो आता था नेट जियो पे आता था भाई, ये सब मैं देखता था, तो ये सब भी देखने मजा आता है। इज दिस अ जॉनर लाइक आई कैन सी यू आर रिलेटिंग, कि हां हां, हाउ डू यू नो दैट आई एम आल्सो सीइंग दिस दैट यू आर सीइंग, आई थिंक अब मुझे यहां तक लगता है ये स्पेसिफिकली कुछ मर्दों की मेल ह्यूमन मेल्स में एक अंदर हमारे चुल होती है, घड़ी को कोई पुरानी रिपेयर होके 40 मिनट का वीडियो है हम चूहे की तरह बैठ के देखेंगे, देख रहे एक इंसान लकड़ी लेगा कुल्हाड़ा लेके लकड़ी का इतना पार्ट लाएगा उसके बाद वो टेबल बनाएगा, लेकिन हम शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे टेबल बना कैसे रहा है, उन वीडियोज में तुम्हारे 8-8, 10-10, 20-20 मिलियन व्यूज होते हैं भाई, ये तुम्हारे स्किल वर्क है बेसिकली है, और मैंने एक चीज देखा, मैं भी बैठ के देखता हूँ, मैं खाली बैठ के यही देख रहे हो कि उसके बाद एंड में एकदम नहीं जैसी होता है, कोई होता है कि स्टील का ये कुल्हाड़ा वो ले लिया फिर वो तलवार बना रहा है उसमें से काट के, हाँ यही सब, और वो क्या वो भी देखता हूँ मैं थोड़ा ना केमिस्ट्री के साइड में, कि अगर मर्क्यूरी को कुछ डाल दिया फिर मर्क्यूरी में से बाहर निकल रही चीजें, कोडीज लैब करके एक चीज है वो देखता हूँ, फिर वेरिटेजियम, ये सारे फिजिक्स वाले चैनल, वी सॉस, ये सब देखता हूँ, ये सब में मेरा मोस्ट ऑफ यूट्यूब जाता है, और कभी यार क्रिंज वॉच करना हो भाई तो फिर अलग जॉनरा ही खुल जाता है, क्रिंज देखने में मजा आता है, क्यों? सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट है ना, बिकॉज क्रिंज में ये है क्योंकि आप सेकेंड हैंड एक्चुअल में वो जो चीज़ हो रही है आप उसको महसूस करते हो, तो वो फीलिंग का एक साइकोलॉजिकल रीजन है हमें क्रिंज, यू नो पे हम चाहे कितना वो कर लें, इट्स द साइकोलॉजिकल टर्म फॉर इट इज सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी वही एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हो उस इंसान को देखते हुए, हम नहीं है वो भाई, मजा आ गया देखने में, बच गए भाई वो वाला, अच्छा समझ आ रहा है।